सत्ता से बेदखल होने के बाद इमरान खान इतने बौखला गए हैं कि पूछना नहीं। सत्ता पाने के लिए इमरान खान ने सेना और सरकार को इतनी गालियां दी हैं कि पूछना नहीं, और उनका हमला अब भी जारी है। इसके साथ ही साथ इमरान खान एक यात्रा निकाल रहे हैं जो इस्लामाबाद में धरना देगी। इसी को लेकर सरकार और आर्मी दोनों के पसीने छूट रहे हैं। ऐसे में सेना और सरकार दोनों इमरान खान के तूफान को रोकने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। इसी बीच शहबाज शरीफ के भाई और पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने इमरान खान पर जबरदस्त हमला बोला। खबरों की माने तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपने भाई और पीएम शहबाज शरीफ को इमरान खान पर एक सलाह दी। पीएमएलएन के मुखिया नवाज ने शहबाज शरीफ को इमरान को रोकने के लिए कई सलाह दी। खबरों की माने तो नवाज ने शहबाज से कहा कि उन्हें आजादी मार्च के सिलसिले में पीटीआई के नेता इमरान से बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है। नवाज इस समय लंदन में है और उन्हें इमरान की वजह से ही देश छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। नवाज ने शहबाज को लंदन से बताया कि पीएम को किसी की भी सुनने की जरूरत नहीं है। जानकारी देते चले कि ये मार्च इस्लामाबाद से लाहौर तक जाएगा। नवाज की माने तो शहबाज को ना तो इमरान की कोई मांग मानने की जरूरत है और ना ही पूर्व पीएम को किसी तरह का कोई सम्मान देना चाहिए। चाहे इमरान 2000 लोगों को इकट्ठा करे या फिर 20,000 लोगों को। एक अहम जानकारी देते चले कि पूर्व पीएम इमरान खान ने कहा है कि जब तक चुनाव वाली मांग नहीं मानी जाती तब तक उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा। शनिवार को शहबाज शरीफ ने 13 सदस्यों की एक कमेटी बनाई। इस कमेटी में सत्ताधारी गठबंधन सरकार के लोगों को भी शामिल किया गया है। शहबाज ने कहा था कि अगर किसी को सरकार से कोई बात करनी है तो फिर वो इस कमेटी से संपर्क कर सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है। इमरान खान को मौत, सैलाब, भुखमरी, अर्थव्यवस्था से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इमरान खान को सत्ता चाहिए। उसी का नतीजा है कि इमरान खान इस हद तक पहुंच रहे हैं और अब लग रहा है कि सेना मार्शल लॉ लगा सकती है। देखना होगा कि आगे क्या होता है और पाकिस्तान किस तरफ जाता है।